हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मनी चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे एक स्मॉल कैप कंपनी के बारे में जो कि लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ही शानदार रिटर्न बनाकर दे सकती है। आप लोग सोचते होंगे कि मुझे किसी स्टॉक से 100% का रिटर्न मिले या फिर 200% का रिटर्न मिले, तो जो मैं आपको आज स्टॉक बताने वाला हूँ वो स्टॉक पूरी कैपेबिलिटी रखता है कि आपको इस तरीके के रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये वीडियो पूरा देखना है, अच्छे तरीके से समझना है और फिर इस कंपनी को अपने वॉचलिस्ट में डालकर रखना है और जब भी आपको मौका मिले तो इस कंपनी में आपको बाइंग करनी चाहिए। और कहां पर बाइंग करनी है वो भी मैं चार्ट के थ्रू आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करके सपोर्ट कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं हम इस कंपनी के फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स ओवरऑल अगर देखें तो ब्रीफ में हमें जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ओवरऑल फंडामेंटल्स से हमें पता चलता है कि कंपनी का बिजनेस किस तरीके से ग्रो कर रहा है और पास्ट में किस तरीके से इसने ग्रो किया है वो हमें पता चलता है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले देखिए इसका मार्केट कैप है केवल 3,011 करोड़ का। करंट प्राइस 213 रुपए की चल रही है और 52 वीक हाई देखिए आप, 52 वीक हाई देखिए आप 519 रुपए का है, 52 वीक लो देखिए 187 का है और उसके बाद करंट प्राइस कहाँ चल रहा है 213 का, यानी कि कंपनी में एक साल में बहुत ज्यादा करेक्शन हुआ है। डिविडेंड यील्ड की बात करते हैं तो 1.50% का है, डिविडेंड यील्ड अच्छा है इस स्टॉक का। सेल्स ग्रोथ लास्ट तीन साल की अगर बात करते हैं तो 14.42% का है, तो ज्यादा बड़ी दिक्कत है नहीं यहाँ पर। फेस वैल्यू 2 की कंपनी है। लास्ट 10 साल का अगर सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो 13.62% है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो 32.53% ओवरऑल दोनों ही अच्छे हैं और आरओई भी अच्छा मेंटेन किया है 25.07%। और लास्ट 10 साल की बात कर रहे हैं हम तो बहुत ही अच्छा है और स्टॉक का पीई अभी आपके पास है 19.27 का। अब देखें इसका प्रमोटर होल्डिंग, तो 53.46% का प्रमोटर होल्डिंग है। उसके साथ अगर आप देखेंगे प्लेज परसेंटेज एक भी नहीं है और डेप देखिए जीरो है, यानी कि जीरो डेप फ्री कंपनी है और रिजर्व्स है इनके पास 588 करोड़ का, तो बहुत ही अच्छा रिजर्व्स है। करंट रेशियो अच्छा है, डेप टू इक्विटी रेशियो आपको 1 से कम ही मिलेगा क्योंकि डेप्ट ही नहीं है इस कंपनी के ऊपर। प्रमोटर होल्डिंग है अच्छी है, सब कुछ ओवरऑल यहाँ से फंडामेंटल्स पैरामीटर अच्छा लग रहा है। अब हम देखते हैं इस कंपनी का नाम क्या है और किस तरीके का परफॉर्मेंस रहा है। तो कंपनी का नाम है वीआईपी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 213 का अभी प्राइस चल रहा है। इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करते हैं तो करंट प्राइस इज लेस देन द इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी कि इन्वेस्टिंग के लिए बहुत ही अच्छे वैल्यू पर ये स्टॉक आ चुका है। रिटर्न्स वर्सेस एफडी रेट की बात करते हैं तो स्टॉक हैज बीन जनरेटिंग बेटर रिटर्न ऑन इक्विटी देन बैंक एफडी। हमने वहां पर देखा था कि 52 वीक हाई किया था और 52 वीक लो किया था, तो उससे ही आपको पता चल रहा है कि एक साल में इस स्टॉक ने नेगेटिव में रिटर्न दिया होगा, यानी कि 51% ये स्टॉक आपको डिस्काउंट में मिल रहा है, करेक्ट हो चुका है। कुछ लोग बोलेंगे 51% डाउन हो रहा है तो हम स्टॉक में बाइंग नहीं बनाए, और क्यों बाइंग बनानी चाहिए उसका भी मैं आपको रीजन दूंगा। 5 साल में आप इसका रिटर्न देखिए पॉजिटिव में, 5 साल पहले जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया अभी भी पैसा उसका डबल होगा। सबसे बड़ी बात स्मॉल कैप की कंपनी है और इसका सबसे अच्छी बात देखिए आप, ये देखिए सेक्टोरियल पी से इसका पी अब सही वैल्यूएशन पर आ चुका है। 71% एनालिस्ट हैव सजेस्टेड दैट इन्वेस्टर कैन बाय दिस स्टॉक, और वीआईपी इंडस्ट्रीज का अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है उसमें ही केवल बिजनेस अभी डाउनफॉल आने वाला है। अदरवाइज ये कंपनी को अगर बैग्स तो बनाती है, इनडायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं इसको कनेक्ट कर सकते हैं ट्रेवल इंडस्ट्री से। ट्रेवल इंडस्ट्री अगर ग्रो करेगी तो वीआईपी इंडस्ट्रीज भी ग्रो करने वाली है, तो फ्यूचर में इसकी ग्रोथ बहुत रहने वाली है। और आप इसके ब्रांड्स देखिए, कार्लटन है, वीआईपी बैग से स्काई बैग है, बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं इस कंपनी के। और लगेज इंडस्ट्री से ये कंपनी अगर आप बोले तो बिलोंग करती है। फाइनेंशियल ट्रेंड भी देखेंगे तो कोई ज्यादा खराब नहीं है, 2016 फिर आप देखेंगे 2017 18 19 तो रेवेन्यू अच्छा हुआ है और प्रॉफिट भी लगातार अच्छा ही हुआ है। प्रमोटर होल्डिंग की अगर बात करेंगे 6 महीने से कॉन्स्टेंट है, एक भी शेयर गिर भी नहीं है। और लास्ट 3 महीने में देखें तो आप देखेंगे म्यूचुअल फंड ने होल्डिंग बढ़ा दी है, यानी कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकती है, इसलिए म्यूचुअल फंड ने होल्डिंग बढ़ाई है। और मैंने आपको फंडामेंटल्स बता दिए, वीआईपी इंडस्ट्रीज का बिजनेस बता दिया, तो आप बिजनेस देखकर खुद ही एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि इसका बिजनेस तो बहुत अच्छा रहने वाला है।
तो ओवरऑल देखें इस कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं है, तो कंपनी अभी सस्टेन कर सकती है इस सिचुएशन में, तो आपको अच्छा रिटर्न भी लॉन्ग टर्म में बनाकर दे सकती है, जैसा कि मैंने आपको आरओई बताया था लास्ट 10 ईयर में बहुत अच्छा है। फिर आप इसका डिविडेंड देख लीजिए, डिविडेंड ये कंपनी कितना देती है, तो देखिए 24 फरवरी 2020 को 3 रुपए 20 पैसे का डिविडेंड दिया था, 2019 में 2 रुपए का दिया था, 2019 में ही देखें तो 1 रुपए 20 पैसे का दिया था, फिर आप देखें 2018 में 2 रुपए का दिया था, डिविडेंड भी अच्छा खासा ये कंपनी आपको बनाकर दे रही है, तो बहुत ही शानदार कंपनी है। अब बात करते हैं फंडामेंटल, हमें पता चल गए इंट्रिंसिक वैल्यू से हमें कम वैल्यू पर मिल रही है, इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, लेकिन किस वैल्यू पर आए तो हमें बाय करना चाहिए या फिर किस तरीके से हमारा इसमें इन्वेस्टिंग प्लान होना चाहिए वो हम जानते हैं, तो उसके लिए चलते हैं हम चार्टिंग पर। वीआईपी इंडस्ट्रीज को लगाया मैंने मंथली चार्ट पर, 213 का क्लोजिंग है, मंथली लगा रखा है यानी कि एक कैंडल जो आपको शो हो रही है वो एक महीने की है, और हमने अभी चार्ट जो लगाया इसका 2001 से अभी तक का इसका जितना भी परफॉर्मेंस रहा है हमें यहाँ पर चार्ट पर शो हो रहा है किस तरीके से इसका मूवमेंट रहा है। और अभी आप देखेंगे ये वाली ब्लैक कलर की लाइन के नीचे जैसे ही क्लोजिंग दी आप देखें 238 के पास में, और वीआईपी इंडस्ट्रीज उसके बाद नीचे गिरता ही चला गया। ठीक है, तो अब आपको मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके बताता हूं, और वो लाइन देखिएगा कहां आ रही है, और यहां देखिए ये स्टॉक 2001 से फ्लैट था लगभग 2010 तक, फिर एक अच्छा मूव आया इस स्टॉक में 2011 और 12 के मिड में एक हाई लगाया, और वहां से वापस से ये स्टॉक नीचे चला गया, और फिर ये स्टॉक लगातार इसी रेंज में देखें आप ये वाली रेंज जो इसी में ट्रेड करता रहा, उसके बाद 2017 में देखिए ये जो मैंने लाइन की है यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया 2017 और 18 के मिड में, और वो ब्रेकआउट जब आया उसके बाद स्टॉक ने पीछे मुड़ने का नाम नहीं लिया, और आप देखें कितना बड़ा हाई लगाया और वापस से स्टॉक नीचे गिर रहा है, तो जो ये ब्रेकआउट था इस स्टॉक का यही अब इसका एक सपोर्ट का काम करेगा, और 206 रुपए का प्राइस है जहां पर मैंने आपको पहले भी बताया था, और ये स्टॉक ने वापस लगभग 230 रुपए के आसपास भी गया, अच्छा रिटर्न आपको मिला होगा शॉर्ट टर्म में भी, लेकिन ये स्टॉक फिर से 213 की प्राइस पर आया है, तो आप लोगों के पास अब अपॉर्चुनिटी है इस स्टॉक में एसआईपी करना स्टार्ट कर सकते हैं, और 206 के ऊपर आए ये स्टॉक आपके पास तो आपको और ज्यादा क्वांटिटी, अगर 10 क्वांटिटी बाय कर रहे हैं तो 20-20 क्वांटिटी आपको बाय करना स्टार्ट कर देना चाहिए, अभी आपके पास बाय का बहुत ही अच्छा मौका है वीआईपी इंडस्ट्रीज में, ऐसा मौका मिलता नहीं है बार बार। आप देखेंगे अगर मैं इसके ऊपर फिबोनाची भी ड्रॉ करता हूं तो फिबोनाची के अकॉर्डिंग भी हमें वीआईपी इंडस्ट्रीज में यहाँ 248 से तो बाय करना स्टार्ट कर देना चाहिए था, और बहुत अच्छा लेवल है 206 का, तो 206 पर अगर ये स्टॉक आता है तो ज्यादा से ज्यादा बाय कर सकते हैं, इवन प्रेजेंट लेवल से भी आप, अगर रिस्क बिल्कुल ज्यादा नहीं लेना चाहते तो 5-5 शेयर की भी एसआईपी शुरू कर सकते हैं, और इवन अगर 2 से 3 हजार रुपए की एसआईपी शुरू करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको बड़ा रिटर्न मिलने वाला है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास में। और अभी आपको पता ही होगा राकेश झुनझुनवाला सर ने इस स्टॉक में होल्डिंग भी अपनी बढ़ाई है, लेकिन हमने क्या देखा, फंडामेंटल देखा और टेक्निकल देखा, हमारे अकॉर्डिंग ये स्टॉक बाइंग रेंज में आ रहा है इसलिए हम इसको बाय करेंगे, ऐसा नहीं कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स बाय करते हैं तो सीधा उनको ब्लाइंडली आप फॉलो कर रहे हैं और सीधा उसमें पोजीशन बना रहे हैं, हमने देख लिया फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स दोनों ही अच्छे लग रहे हैं और वैल्यू बाइंग स्टॉक है तो बाय कर सकते हैं। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा।